शादीशुदा युवक से एक युवती को प्यार करना भारी पड़ गया। ये ताजा मामला उधम सिंह नगर का है, जहां बेटी के माता पिता ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि किशोरी सुबह के समय ही प्रेमी से मिलकर लौटी थी, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और कातिल माँ बाप लाश को दफनाने की फिराक में थे, लेकिन तभी पुलिस कब्रिस्तान पहुंच गई और हत्याकांड का भंडाफोड़ किया। जानकारी के मुताबिक पहाड़गंज रुद्रपुर में रहने वाले शफी अहमद यहां अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। शफी की नाबालिग बेटी एक शादीशुदा युवक से प्यार करती थी। परिवार की रोक के बावजूद उसका मिलना जुलना जारी रहा। वहीं 23 फरवरी की रात परिवार खाना खाकर सो गया, लेकिन सुबह 4 बजे परिजनों की नींद खुली तो बेटी बिस्तर पर नहीं थी। माँ बाप ने उसे तलाशा तो बेटी छत से उतरती दिखी और एक युवक छत से कूदता दिखा। इस पर जब किशोरी घर वापस आई तो माँ बाप ने उसे बुरी तरह पीटा। इस दौरान बेटी माफी मांगती रही और दोबारा ऐसा न करने के लिए गिड़गिड़ाती रही, लेकिन माँ बाप के सिर पर खून सवार था। शफी ने दुपट्टे से बेटी का गला कस दिया, उसके बाद दम घुटने लगा और वो छटपटाने लगी और माँ ने उसके पैर जकड़ लिए। और जैसे ही बेटी ने दम छोड़ा तो माता पिता ने रोना और चीखना शुरू कर दिया। इस दौरान मोहल्ले वाले रिश्तेदार जुड़ गए, किसी को आत्महत्या की कहानी सुनाई तो किसी को बीमारी से मौत की कहानी सुना दी। फिर एक रिश्तेदार की गाड़ी से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गए, जहां पुलिस को खबर लगी तो उसका पीछा किया। वहीं कब्रिस्तान में बेटी को दफनाने की तैयारी चल रही थी कि तभी पुलिस पहुंच गई। तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई तो हत्यारे माँ बाप ने हत्या की पूरी कहानी पुलिस के सामने उगल दी। फिलहाल पुलिस ने शफी अहमद और उसकी पत्नी खातून जहां को गिरफ्तार कर लिया है।